नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही वो अभी तक की बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। 14 फरवरी को समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय सुभाष रोड परेड ग्राउंड देहरादून में समाजवादी पार्टी महानगर कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्री मोहम्मद नासिर मंसूरी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष श्री मोहम्मद नासिर मंसूरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में देहरादून की सड़कों का बुरा हाल है और ISBT फ्लाईओवर, गोरखपुर RKTR, प्रेमनगर रोड, परेड ग्राउंड को सड़कें खुद ही पड़ी है। सड़कें खोद कर डाल दी गई, जिसपे जनता का चलना मुश्किल हो रहा है। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट सिटी के पक्ष में वो भी है, लेकिन ये कैसा विकास जिससे जनता को परेशानी हो रही है। भाजपा के पार्षद सिर्फ अपने घर के पास के क्षेत्र को ही चमका रहे हैं, बाकी क्षेत्र से मतलब ही नहीं है। अभी तक शिमला बाईपास रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। वहां शाम होने के बाद अंधेरा होता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और एक्सीडेंट होते हैं। डंपर हो या ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई रोक प्रशासन की नहीं है। समाजवादी पार्टी देहरादून महानगर अध्यक्ष श्री मोहम्मद नासिर मंसूरी ने कहा, पेट्रोल डीजल और गैस कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार चुप होकर बैठी है। अब कोई भी भाजपा का ब्रांड नेता, सांसद या विधायक सड़कों पर आंदोलन करता नहीं दिखाई देता। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी महानगर देहरादून की मासिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी महानगर ने देहरादून नगर निगम के विभिन्न मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा की है। जैसे कि स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में सड़कों का बिल्कुल नाश कर दिया गया है देहरादून की। आप ISBT पे जाकर देख लीजिए कि चलना दुश्वार हो गया और वहाँ जाम की इतनी भयंकर जाम रहता है, तो नगर निगम उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा निगम यहाँ पर। इसी तरह आप अनेक वार्ड ऐसे हैं, आप जाके देखिए गोरखपुर KDR के अंदर जो प्रेम नगर जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पर स्कूल है, एक नहीं बल्कि दो स्कूल है, वहाँ पर बच्चों का चलना वहाँ से दुश्वार है, आगे के स्कूल भी खुल गए हैं। तो यही इन्हीं चीज़ों पर चर्चा हुई है। जो समाजवादी पार्टी महानगर इन्हीं मुद्दों को लेकर के जन आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी और जल्दी हम जो ISBT की सड़क है या अपना ये प्रेम नगर वाली रोड वाली जो रोड है RKTR पे, उस मुद्दे को लेकर जल्दी मुलाकात करेंगे हम मेयर साहब से कि इनको ध्यान दिया जाए। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।